हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास एट, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। और लास्ट टाइम आप लोगों को जो मैंने नर्मदा द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखवाए थे, आज उससे आगे जो बची हुई एक्सरसाइजेस हैं उस पर हम करेंगे काम। राइट, तो लेट अस सी। ये क्वेश्चन आंसर्स थे जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और इन सब के आंसर्स मैंने आपको लिखवाए थे। तो आई होप कि ये सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर के महीने में आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। करना ये होगा कि जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों को इस पे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और जो पेजेस होते हैं उस पे आप उसके आंसर्स लिखेंगे और आंसर लिखकर आप व्हाट्सएप करते जाएंगे उसकी फोटो खींचकर। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और अकॉर्डिंगली उन पेपर्स को जांच कर आप लोगों को उसके रिजल्ट्स भी व्हाट्सएप के ज़रिए दे दिए जाएंगे। आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं, कहाँ पर आपके मार्क्स कटे हैं। राइट, सो अभी के जो भी हालात बन रहे हैं उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे हमारा और मन लगाकर घर में तैयारियां करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स मैंने जैसे आपसे कहा कि करवाए जा चुके हैं आपको। अब आगे ये एक है टेबल, इसमें लिखा हुआ है कि मैच द कॉलम्स। एक तरफ यहाँ पर लिखा हुआ जबलपुर, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, अमरकंटक, सेठानी घाट एंड विंध्याचल, और दूसरी तरफ कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे माउंटेन्स, ओरिजिन ऑफ द नर्मदा, द मार्बल रॉक्स, द नर्मदा, द होशंगाबाद। राइट, तो इसको मैच करना है जो मैंने आपके लिए किया है। जैसे जबलपुर, जबलपुर फेमस है द मार्बल रॉक्स के लिए, तो ये उसका मैच होगा। आपको मैंने आपको बताया था भेड़ाघाट का नाम लिया था जहाँ पर नर्मदा मार्बल रॉक्स के बीच में, संगमरमर की चट्टानों के बीच में से बहती है। तो जबलपुर का मैच है द मार्बल रॉक्स। सेकंड है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ये हम सब जानते हैं लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा को कहा जाता है। राइट, तो ये आप लिख लेंगे। थर्ड वन इज अमरकंटक। अमरकंटक वो जगह है जहाँ से नर्मदा निकलती है, यानी उसका ओरिजिन है ये। तो ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है कि ओरिजिन ऑफ द नर्मदा, ओरिजिन ऑफ द नर्मदा इज अमरकंटक, ये आपने इस से जाना है, उसी को हमें यहाँ पर मैच करना है। और नेक्स्ट है सेठानी घाट। मैंने आपको बताया था कि जब नर्मदा होशंगाबाद से होकर बहती है तो उसके किनारों पर बहुत खूबसूरत घाट बने हुए हैं और उसमें से एक घाट का नाम है सेठानी घाट और ये बड़ा मशहूर घाट है। और लास्ट है विंध्याचल। विंध्याचल जैसे सतपुड़ास हैं वैसे ही विंध्याचल जो है ये माउंटेन रेंज है। राइट, तो इसको माउंटेन्स में लिखेंगे हम। तो इसको मैच कर लीजिए। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन है और अक्सर हम लोग किया करते हैं इंग्लिश में जो करना होता है। दो वर्ड्स हैं, एक है बिटवीन और दूसरा वर्ड है अमंग, AMONG, बिटवीन एंड अमंग। अब आपको देखना है कि ये दोनों वर्ड्स, इन दोनों का अगर हिंदी में हम मतलब निकालें तो इसका मतलब होगा बीच, यानी के बीच में। राइट, अब जैसे मैं कहूं कि भाई जंगल के बीच में
या पेड़ों के बीच में एक मंदिर है, या मैं कहूं कि क्लास 8th और क्लास 6th के बीच में क्लास 7th है, तो दोनों में ही मैंने हिंदी में के बीच में का यूज किया। अंग्रेजी में ये जो हम यूज करते हैं के बीच में, उसके लिए दो वर्ड्स हैं, एक है बिटवीन और एक है अमंग, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन इसका इस्तेमाल, जैसे हिंदी में हम जब बीच में किसी के बोलते हैं तो हर यानी पोजीशन की बात है कि ये कोई चीजें हैं उसके बीच में, यहां पर कोई चीज है तो इसको बोलेंगे कि इन दो डॉट्स के बीच में ये क्रॉस बीच में है, राइट। लेकिन अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं इसके लिए और उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ये दो डॉट्स हैं, बिंदु हैं, और उनके बीच में ये एक क्रॉस बना हुआ है। जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। दो चीजों के बीच में कोई चीज अगर है, उसकी आपको स्थिति बतानी है कि वो कहाँ पर है, तब हम बिटवीन लगाएंगे और वाक्य बना सकते हैं कि द क्रॉस इज बिटवीन द डॉट्स, द टू डॉट्स कर लीजिए आप, यानी दो डॉट्स के बीच में क्रॉस है। बात समझ में आ रहा होगा, आ रही होगी आपको। अब सवाल यह है कि जब इसका भी अर्थ वही है तो हम यहां पर क्या इसके जगह बिटवीन की जगह एमंग लगा सकते हैं? नहीं। एमंग का इस्तेमाल होता है जब हमें स्थिति बतानी है, परिस्थिति बतानी है, किसी चीज की सिचुएशन बतानी है। जैसे ये क्रॉस है, ये दो के बीच में ना हो के तीन के बीच में है, या तीन से ज्यादा के बीच में है। जैसे यहां पर 7 डॉट्स के बीच में ये लग क्रॉस है, राइट, तब यहां पर एमंग का यूज होगा। तब आप लिखेंगे द क्रॉस इज एमंग द डॉट्स, और इसीलिए मैंने यहां पर 2 डॉट्स लिखा था ताकि आपके सामने क्लियर हो ये इसकी पोजीशन, ठीक है। द क्रॉस इज अमंग द डॉट्स आप जब कहते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो डॉट्स हैं ये दो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम तीन और तीन से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर अमंग का यूज करेंगे आप। तो अगर मुझे ये कहना है कि टीचर जो हैं ये बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं, तो अगर बच्चे दो से ज्यादा हैं, तीन हैं या और ज्यादा हैं पूरी क्लास में, जाहिर से यह है कि उससे ज्यादा ही बच्चे होंगे, तब मैं इसमें अमंग का यूज करूंगा और कहूंगा कि द टीचर इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। मतलब ये हुआ कि जो टीचर है वो बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं और ये बच्चे दो से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन अगर मुझे बताना है कि भाई दो बच्चे हैं उनके बीच में टीचर बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा द टीचर इज सिटिंग बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। कोई टीचर किसी बात को समझा रहे हैं, उनके अगल बगल कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं, राइट। सपोज कोई दो नाम ले लीजिए, एक का नाम नवीन है और एक का नाम विनय है, उनके बीच में ये बैठे हुए हैं, तो द टीचर इज सिटिंग बिटवीन नवीन एंड विनय। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है कि दो चीजों के बीच में आपको कुछ किसी की पोजीशन बतानी है तो बिटवीन, और दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर आपको इनकी पोजीशन बतानी है तो आपको लगाना है अमोंग, राइट। सो दिस इज द सिंपल थिंग। यहां पर अब आप आएंगे एक्सरसाइजेस तो क्लियर हो जाएगी। जैसे आप देखिए, वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक द चिल्ड्रन,
यहां पे लिखा है कि हमने बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी, तो जाहिर है बच्चे, जब बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों के बीच में तो काफी सारे बच्चे रहे होंगे, इसीलिए यहां पर आपको बिटवीन और अमंग में अगर लगाना है तो हाँ यहां पर अमंग लगेगा क्योंकि दो से ज्यादा बच्चे समझ में आ रहे हैं यहां पर, राइट। अब आते हैं आगे, आगे के इसमें, रानी इज स्टैंडिंग ब्लैंक श्रेया एंड सोनल। यहां पे दो बच्चे हैं, एक का नाम है श्रेया और एक का नाम है सोनल, दो बच्चियां हैं ये, और रानी उन दोनों के बीच में खड़ी है। तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया कि जो रानी है ये दो लोगों के बीच में है, तो यहां पर बिटवीन का यूज किया है कि रानी इज स्टैंडिंग बिटवीन श्रेया एंड सोनल। इज इट क्लियर? अब आते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। यहां पे लिखा है एवरेस्ट इज वन ब्लैंक द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, कि एवरेस्ट जो है ये हिमालय की जितनी पहाड़ियां हैं, जो पर्वत हैं, उनके बीच में उनमें से उनके बीच में एक है, राइट। तो जो माउंटेन्स हैं हिमालय के वो बहुत सारे हैं, सिर्फ दो नहीं है, तो इसीलिए हमने यहां पर एमंग लगाया है कि एवरेस्ट इज वन अमंग द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, राइट। कि एवरेस्ट जो है बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं हिमालयाज के उनमें से एक है। अब यहां पर देखिए कि इंडिया लाइज, मैंने लगा दिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब नेपाल जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है। दो कंट्रीज के नाम दिए हैं, एक का नाम है इंडिया और एक का नाम है चाइना, और इन दोनों के बीच में नेपाल है, एक छोटा सा कंट्री, तो इसीलिए हमने इन दो कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में इसकी पोजिशन बताने के लिए बिटवीन का यूज किया। एंड लास्ट वन, वाइल्ड एनिमल्स लिव अमंग द वुड्स, मतलब जो जंगली जानवर है ये, वुड्स का मतलब पेड़ भी होता है, जंगल भी होता है, पेड़ भी होता है, तो इनके बीच में, पेड़ों के बीच में ये जंगली जानवर निवास करते हैं, रहते हैं, तो ये पेड़ सिर्फ दो नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई वी यू आई यूज अमंग, विच इज द राइट वर्ड टू बी यूज हियर इन द सेंटेंस, राइट। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और एक यहां पे पिक्चर देख रहे हैं आप, राइट। सी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स। सम प्रीपोजिशंस मे बी नीड टू बी रिपीटेड। यहां पर कुछ सबसे पहले तो आपको देखना है ये चित्र। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बस है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, आपको ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर भी नजर आ रहा होगा। बस की जो फ्रंट गेट है उसके बगल में नीचे जमीन पर एक खड़ी हुई एक महिला नजर आ रही है। पीछे से इस बस में चढ़ने वाले जो लोग हैं वो एक क्यू में नजर आ रहे हैं, कतार में, राइट। एक सज्जन है ये कुछ बैग बैगेजेस लेकर नजर आ रहे हैं। यहां पर ये बस स्टॉप का शेड है, राइट। और यहां पर एक डस्टबिन नजर आ रही है जिस पर लिखा गया यूज मी। इतनी चीजें हमने देख ली हैं। अब हमें करना है यहां पर कुछ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल। प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल ही होता है कि जो नाउन और जो वर्ब होती हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। यहां पर देखिए कुछ दी हुई है, जैसे इनटू, इनटू, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टू, विद, ये कुछ प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, जरूरत पड़ने पर इसको रिपीट भी कर सकते हैं, इन्होंने कहा है। तो चलिए अब इसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए भर के रखा हुआ है, यहां पे आप देखते चलेंगे। दिस इज द सीन ऑफ अ बस स्टॉप, दिस इज द सीन ऑफ अ बस स्टॉप, फुल स्टॉप। There is a dustbin in the corner of the bus stop. In the corner of the bus stop.
बस स्टॉप के एक कोने में डस्टबिन रखी है। यहां पे ये सब ये जो प्रीपोजिशन है ये आपको किसी वस्तु की स्थिति बता रहे हैं, उसका प्लेसमेंट बता रहे हैं। द पैसेंजर्स हु वॉन्ट टू गो टू मऊ फ्रॉम पीथमपुर, ये दो जगहों के नाम हैं, कि वो पैसेंजर्स पैसेंजर्स कहलाते हैं जो यात्रा करते हैं यात्री। द पैसेंजर्स हु वॉन्ट टू गो टू मऊ फ्रॉम पीथमपुर कैन कैच द बस फ्रॉम हियर। वो पैसेंजर्स जो मऊ से पीथमपुर जाना चाहते हैं वो यहां से बस पकड़ सकते हैं फ्रॉम हियर। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बोर्ड द बस। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो पैसेंजर्स है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी बारी से चढ़ रहे हैं। सम पैसेंजर्स आर ऑलरेडी इन द बस, और कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी बस के अंदर है। इन देयर इज सम लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस, और बस की छत पर कुछ लगेज भी रखा हुआ है सामान। यहां पे देखिए कि बस की छत के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन का यूज किया गया है, ऑन द रूफ ऑफ द बस, जो बस के ऊपर के लिए ऑन का इस्तेमाल किया। बस के अंदर जो पैसेंजर्स मौजूद हैं उनके लिए हमने इन का इस्तेमाल किया था, राइट। तो ऑन द रूफ ऑफ द बस, सम पैसेंजर्स आर कैरिंग स्मॉल बैग्स लंच बॉक्सेस एटसेट्रा। जो यात्री हैं अपने सामने अपने साथ में कई तरह का सामान ले जा रहे हैं, कुछ के पास बैग्स हैं, कुछ के पास लंच बॉक्स है, वगैरह वगैरह। इन देयर हैंड्स, वो उनके हाथों में रखे हैं। नो वन शुड ब्रेक द क्यू, क्यू की स्पेलिंग देख लीजिए, QUEUE, क्यू, राइट। नो वन शुड ब्रेक द क्यू टू गेट इनटू द बस। ये इनटू एक ही साथ लिखा जाता है, इन और टू के बीच में गैप मत दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा, इनटू ये एक ही शब्द है। नो वन शुड ब्रेक द क्यू टू गेट इनटू द बस। ट्रैवलिंग विद अ लॉट ऑफ लगेज मे कॉज ट्रबल। तो बस के भीतर प्रवेश करने के वक्त किसी को भी कतार नहीं तोड़नी चाहिए, ये कह रहे हैं। नो वन शुड ब्रेक द क्यू टू गेट इन टू द बस। एंड ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सामान लेकर सफर करने से आपको और दूसरों को परेशानी हो सकती है, और इसलिए आपको ऑलवेज यू शुड ट्रेवल लाइट, हमेशा जो कम सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं आगे, यहां पर देखिए, लेट अस टॉक, चूज एनी वन रिवर एंड टॉक अबाउट इट इन योर ग्रुप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज। तो यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसको देखकर आपको एक कोई भी आपकी जो जानी पहचानी नदी है उसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा था। मैंने यहां पर वैनगंगा नदी को चुना है क्योंकि बालाघाट की मेन रिवर हमारी वैनगंगा है, जो हमारा जो जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बालाघाट, उसके बगल से बहती है ये नदी और बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। तो इसके बारे में आपको जानने का मौका मिल रहा है, इसीलिए मैंने वैनगंगा को खोजा कि हमारे जिले में ही से बहती है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इसके बारे में आपने नर्मदा के बारे में तो जान ही लिया, तो चलिए एक मध्य प्रदेश की एक और नदी जो हमारे गृह जिले से ही बहती है उसके बारे में जाने। तो नेम ऑफ द रिवर ऑफ योर चॉइस द वैनगंगा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये कहां से निकलती है वैनगंगा। देखिए मुझे भी नहीं पता थी ये बातें, जब आपको पढ़ाने का मौका आया तब मैंने इस नदी के बारे में जानकारियां इकट्ठी की, और जो जानकारियां मुझे मिली है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुंद्रा, मुंदारा, मुंदारा कहते हैं या मुंद्रा कहते हैं, ये सिवनी जिले में, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह है, वहां से ये निकलती है ये नदी। तो कोई आपसे अगर पूछे कि ये कहाँ से, जैसे आपको नर्मदा का मालूम है कि ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, कोई पूछ सकता है कि ये वैनगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मुंदरा से। इट इज अबाउट
579 किलोमीटर्स लॉन्ग, और कहीं पर कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ और प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। कहीं पर 579 और कहीं पर 569 भी दिख रहा है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई दो दो में से एक ही फिगर सही हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 579 किलोमीटर्स लिखा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब ये कहाँ से बहती है? इट फ्लोज थ्रू, ये दो प्रदेशों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दो जो राज्य हैं हमारे देश के, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है ये। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर ये तीन जिलों के नाम है जो हमारे पड़ोसी जिले हैं, जैसे सिवनी, सिवनी से तो निकलती है, फिर बालाघाट में प्रवेश करती है, इसके बाद भंडारा पहुंचती है, जो महाराष्ट्र का एक जिला है। ये है इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन द बैंक्स, कि ये तीन जगह हैं जो इंपॉर्टेंट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं, और ये तीनों ही इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। देयर आर, अब यहां पर बताना है कि इस नदी पे क्या कोई डैम्स भी बने हुए हैं, क्या कोई बांध बने हुए हैं? तो जी हां, इसमें बांध बने हैं। एक है ढूटी बांध, DHOOTI, ढूटी बांध, राइट, और एक है बाजेगांव, BAJEGAON, बाजेगांव। ये दोनों डैम्स बड़े इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ढूटी बांध भी और बाजेगांव डैम्स बिल्ट अक्रॉस इट। इट फ्लोज एंड मीट गोदावरी रिवर, और ये जाकर सीधे समुद्र में नहीं मिलती, ये उससे पहले ही एक और बड़ी नदी है जो नाम आपने सुन रखा होगा, गोदावरी नदी, राइट, जो महाराष्ट्र और साउथ की कुछ डिस्ट्रिक्ट से होकर स्टेट से होकर गुजरती हैं। तो इट मीट्स गोदावरी, जब ये जाकर अपना पानी पूरा का पूरा वहां पर डाल देती है और गोदावरी से मिल जाती है, तो इसे कहते हैं, जब कोई नदी मदद करती है किसी की तो ट्रिब्यूटरी कहते हैं उसे। तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, याद रखेंगे, वैनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये जाकर अपना पानी गोदावरी में डाल देती है। और वैनगंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? वैनगंगा में भी आके कई सारी छोटी नदियां मिलती हैं, तो इट्स ट्रिब्यूटरीज आर बाघ, बावनथड़ी, सूर, कन्हान। ये चार नदियों के नाम मैंने दिए हैं, आपने भी सुन रखे होंगे, हमारे आसपास के ही हैं। बावनथड़ी नदी ये महाराष्ट्र और एमपी का जो बॉर्डर है, बालाघाट का, कटंगी से आगे वहां पर एक बावनथड़ी नाम की जगह है, राइट, ये इसी नदी के नाम पर पड़ी है। वैसे ही कन्हान नागपुर के बगल में एक जगह है, वहीं से एक नदी बहती, कन्हान नदी, बावनथड़ी नदी, सूर नदी और बाघ नदी, ये सारी की सारी, ये बाघ नदी गोंदिया और बालाघाट के बीच में है, तो ये सारी की सारी नदियां जाकर अपना पानी वैनगंगा में मिला देती हैं, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हुई, राइट। तो देखिए, अब वैनगंगा के बारे में इतना कुछ हमें पता चला यहाँ पर, कि वैनगंगा नदी सिवनी जिले से निकलती है, मुंदरा नाम की एक जगह है, ये इसकी टोटल लंबाई 579 किलोमीटर्स है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। अपने सफर के दौरान ये तीन जिलों को पार करती है, सिवनी, बालाघाट और भंडारा को। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डैम्स बने हुए हैं इस नदी पर, वो है ढूटी डैम और बाजेगांव डैम, और अल्टीमेटली ये बहती हुई 579 किलोमीटर्स का अपना सफर पूरा करके गोदावरी नदी से मिल जाती है, गोदावरी रिवर से। और वैनगंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसी नदियां जो वैनगंगा में अपना जल छोड़ती हैं लाकर, वो हैं बाघ नदी, बावनथड़ी नदी, सुर और कन्हा, राइट। तो ये हमने इसको देखा आज, और फिलहाल इस क्लास में अभी मैं इतना ही आपको करवा रहा हूँ। तो बिटवीन और अमंग समझ लीजिएगा जो मैंने करवाया है, प्रीपोजिशंस देखिएगा कि इन का यूज़ कहाँ होता है, ऑन का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है, राइट,
इन टू का यूज कहाँ होता है, प्रीपोजिशंस के लिए सेपरेट एक क्लास जब मैं लूंगा तो आपको सारे तरतीब से जो डिफरेंट प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। फिलहाल जो आपके इसमें आए थे उसको एज इट इज मैंने यूज करके सही इस्तेमाल करके बता दिया है आपको, राइट। तो ऑलरेडी 25 मिनट की क्लास होगी तो फिलहाल रोकता हूँ मैं इसको, अगले इसमें बाकी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे इसके। ओके, थैंक यू ऑल, कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ।